नमस्कार दोस्तों, जीके गुरु जी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं झूम खेती। झूम खेती, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह खेती एक समय में एक ही बार होती है। इसमें जैसे कि जब एक खेती हो जाती है तो एक फसल कटने के बाद उसको उस खेत को कुछ दिन तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसमें जो बांस उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, इनको उसी खेत में जला दिया जाता है। जलाने से इसकी जो राख है वो राख वहीं पर छोड़ दी जाती हैं और उससे जो है खाद तैयार हो जाता है, जो कि उसके लिए फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है, एक फसल काटने के बाद कुछ सालों के लिए खेत छोड़ देते हैं। उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं। जो बांस जंगल उगता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, उसको खेत में जला देते हैं। जब जला देते हैं तो इसकी राख जो है खाद का काम करती है। जब ये बांस और जंगल जलाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो और पेड़ पौधे हैं उनको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, दूसरे पेड़ पौधों का को सुरक्षित रखा जाता है। इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जब कुछ साल बाद इसमें फिर से जब खेती की बारी आती है तो जमीन को हिलाकर उसमें उसको जो उसकी जुताई नहीं की जाती है, सिर्फ जमीन को हिलाकर उसमें जो है बीज बोया जाता है, मतलब खेत की जुताई जुताई नहीं होती है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास या पौधे उखाड़ते नहीं हैं। फसल के समय जो खरपतवार फसल में हो जाते हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसी खेत में उसको गिरा दिया जाता है ताकि वो भी उसके पत्ते सड़ गल के खादों का ही काम करें, जिससे कि फसलों को फायदा पहुंचता है। खरपतवार की निराई नहीं की जाती है।
स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। झूम खेती कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र। झूम खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। कुड़ुक अगला है। जंगल कुड़ुक एक जनजाति है। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। झारखंड की आदिवासी जनजाति। कुरुक को जंगल कहा जाता है। कुरुक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। ये आदिवासी जनजाति है और इसी के नाम पे जो है इसको कुड़ुक कहा जाता है और इसी से जो है जंगल शब्द आया। इसको तुरांग भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुड़ुक को जंगल या तोरण भी कहते हैं। अब अगला हम जंगलों के बारे में आगे देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं तो वो कुछ भी जहां रह रहे हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी वहां उगा सकते हैं। 25 साल से लगातार रह रहे हैं तो कुछ भी उगा सकते हैं। उन्हें हटाया नहीं जाएगा। अगला है जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। और अगला है कृषि। कृषि कृषि एक पारंपरिक जो है क्रिया है जो कि सब्जियां अनाज गेहूं चावल
ये सब चीजें उगाना कृषि कहलाता है। कृषि के इसकी जो प्रक्रिया है, जुताई है, सिंचाई है और मड़ाई है, बाजार तक पहुंचाना है, ये सब किसी प्रक्रिया में आते हैं। तो इसमें पशुधन भी शामिल है, पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत में 50% लोग किसी में शामिल हैं। भारत की 2/3 आबादी कृषि करती है, मतलब भारत की 2/3 आबादी कृषि करती है। और विश्व में 50% लोग संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि में फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कही जाती है। फसल उगाने वाली जमीन को कृषिगत भूमि कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। एक ही तरह की फसल उगाने से एवं केमिकल्स के उपयोग से क्या होता है, भूमि बंजर हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि फसलों को बदल बदल के बोया जाए और केमिकल्स का उपयोग बहुत ही कम अत्यधिक करने से भूमि क्या है, बंजर हो जाती है। इसके बाद है बीज। बीज को प्राचीन समय से सूखी लौकी में उसको रखा जाता है और उसको मिट्टी के ढक्कन से या मिट्टी के लेप लगा के और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। और उसको सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। जैसे बीज में है कि बीजों को प्राचीन समय सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। सूखी लौकी में रखा जाता था कीड़ों से बचाने के लिए। नीम की पत्ती का प्रयोग किया जाता था। अगला है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे एक होता है बीजों की बुआई और दूसरा होता है बीज स्वयं ही जहां उसको उगना होता है अपने खेत तक, अपने उगने वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। उसका माध्यम हम आप होते हैं, कपड़े में चिपक कर चले जाते हैं या बीज स्वयं ही फेंक देते हैं। तो इस तरीके से बीज स्वयं भी उगने वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसमें जो है सोयाबीन की फलियां
पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाता है। सोयाबीन की फली है, इसमें भी बीज जो है पककर अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। बीज कैसे, बीज जो है चना है, गेहूं है, मक्का है, ये सब क्या है, बीज है। नाशपत्ती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज नहीं होता है। नाशपत्ती, चीकू आदि ऐसे बहुत से सब्जियां हैं या फल हैं जिसमें जो है बीज नहीं होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है। जो बीज कपड़े में भिगोया जाता है वो जो है मिट्टी के तुलना में अधिक जल्दी जो है, दोनों की तुलना में कपड़े वाला बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। जल्दी अंकुरित हो जाता है। अगला है, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है या तो बीज क्षतिग्रस्त थे, या तो बीज टूट गए थे, या तो उसमें कीड़े लग गए थे। तीन ही कारण होता है कि जब कपड़े में बंधा हुआ बीज अंकुरित ना हो, तो सिर्फ मात्र तीन कारण होते हैं, या तो बीज क्षतिग्रस्त थे, या टूट गए थे, या उनमें बीजों में कीड़े लग गए थे। बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीज, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल को छोड़कर ये तीनों जो है लौकी से बनाए जाते हैं। ये होता है बीन पार्टी के बाजे, बीन पार्टी के बाजे।